ये महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र है और आप सुन रहे हैं करिश्मा मैडम की आवाज बिल्ले डॉट नहीं ऐसे ही ये मुझे नहीं सुना रहा था तो मैंने इसको सुना दिया। मैडम आप ऐसे ही खाली बैठे तो नहीं बिजी है? मैं ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ। ये हसीना मैडम का सस्पेंशन कैंसिल हो गया है क्या? फुल एंड फाइनल हो गया क्या? नहीं आपको मदद चाहिए तो मैं कुछ करूं? तो तुम हमारा मदद करोगे? तुम कमिश्नर हो का बे? नहीं नहीं हम कमिश्नर नहीं हैं, लेकिन हम वो हैं जिनके वजह से आप जैसे हसीना मैडम जैसे एक दिन कमिश्नर बन जाते हैं, तो बिल्लू गोरे एक दिन आप ही कमिश्नर बन जाओगे, तो करूं? ए बिल्लू क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्यों छेड़ रहे हो करिश्मा मैडम को? अरे वैसे भी वो कितनी परेशान है, दिख नहीं रहा है तुमको? अच्छा आपको कैसे पता पुष्पा जी कि आज हम परेशान हैं? तो फिर हमारे और लल्ला के उठने से पहले ही आप घर से क्यों निकल जाती हैं? वन पॉइंट। क्योंकि वो अंगद का चार्ज शीट बनाना था हमें, इसीलिए। अब कभी एक पॉइंट। हाँ हाँ सब पता है हमको। अगर अंगद की चार्जशीट समय पे फाइल नहीं की ना तो हसीना मैडम इनकी चार्जशीट फाइल कर देगी ना, इसीलिए। तीन पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप आज? सब बोनस पॉइंट आपको, आप विनर है, विनर है। अरे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, क्यों हमारा गुस्सा बेचारे पे उतार रही हैं? छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कर, चल प्रसाद ले। ओ थैंक यू। एक एक ले लो। अरे एक प्रसाद ले लो। ओ ऐसा, ये लो प्रसाद खाओ। आप नहीं खाएंगे प्रसाद? लीजिए ना खाइए। अरे पुष्पा जी पर ये प्रसाद किस खुशी में बांट रही हैं आप? वो हसीना मैडम का सस्पेंशन रद्द हो गया ना, इस खुशी में हम आज मंदिर गए थे भगवान को भोग लगाने। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। वही तो, वरना ये था ना पहले के जैसा हो जाता, ना कोई आता ना कोई जाता, सब अपनी मनमानी करते रहते, सब अपनी मनमानी करते रहते। अच्छा तो आपको लगता है ये जो थाना चल रहा है ये सिर्फ मैडम सर की वजह से चल रहा है? हा? हम तो यहाँ गिनती बढ़ाने आए हैं। और नहीं तो क्या। वैसे एक बात कहे आपको, हमको ना सोच 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 कर ही ऐसा लग रहा है, क्या कुछ नहीं सोचा होगा ना आपने, हम थाना जाके ये करेंगे वो करेंगे। आप 50% तो एकदम सही हैं, लेकिन 50% शायद कुछ भूल रही हैं। याद दिलाएं, हम अभी भी यहाँ पे आपकी सीनियर हैं। 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, और उसके लिए ना हमें मैडम सर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये जो नौटंकी सबका चल रहा है ना ये बंद कर देना, आएंगे वापस, सब काम पे लग जाने चाहिए। पुष्पा जी टैलेंटेड हो आप, सुबह सुबह कैसे स्टार्ट हो जाती हो? अरे सुबह जल्दी घर से निकल गई थी ना वो, तो सुबह की पहली चाय कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ तो मन को अच्छा नहीं लग रहा था, अब झगड़ा हो गया मन अंदर से शांत हो गया। शुक्रिया। बदनाम चाय दे। सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा चाय है नीम का काढ़ा है, चाय बनाना भूल गए हो क्या? इतना खराब चाय बनाए। बरखुरदार चाय खराब नहीं है, आपका मूड खराब है। ये लो, इनने ले लिया एकदम उड़ता तीर, अब देखना कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा। पिटेगा पक्का पक्का। चलो हमारा अच्छा टाइम पास होगा। हाँ थोड़ी बहुत चाय तो मुझे भी खराब लगी, लेकिन मैंने बोला नहीं। पी पी वरना सरकारी खर्चे पे लेटा देंगे तुझको। बदनाम भाई पियो। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखोगे? ये चौकठा
ये बिगड़ना नहीं चाहिए, और अगर बिगड़ा ना तो ऐसा बिगाड़ेंगे कि शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है तुम्हारी मैया भी नहीं पहचान पाएगी तुमको, समझे? पी अरे यार, ये पहली पुलिस वाली है जो हमेशा टाइम पे आ जाती है। थोड़ा सा लेट आ जाती तो फिर मजा आ जाता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये मारपीट के अलावा आपको और कुछ नहीं आता ना करिश्मा सिंह? ये तांबे के बाल वाले लोग ये हमें शराफत से कहाँ जीने देते हैं, खुद ही मार पिटाई के लिए बुलाएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम सर? आपका और मारपीट का रिश्ता ऐसा है जैसे भालू और मधुमक्खी के छत्ते का। चाहे कुछ भी हो मौका ढूंढ ही लेता है। अरे क्या कर रही है? चुप कर, चुप। हंसना बंद कर अपने। मैंने कहा हंसना बंद कर। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी शरारती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर जोया। इंस्पेक्टर अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन अभी से आदत डाल रही हूँ कि नाम के पहले इंस्पेक्टर लगा लूँ। तो आप बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है ना इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बहुत इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो? लगता का है, हम है बहुत इंटेलिजेंट। ओके, तो मेरे एक सवाल का जवाब देकर दिखाइए। अगर जवाब सही हुआ तो इंटेलिजेंट, वरना बुद्धू। बोलिए, मंजूर है? अरे पागल हो गई क्या, कुछ भी बोले जा रही है। अरे नहीं नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल मंजूर है, पूछो। अच्छा, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? है? ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? अम्मा ऐसा भी कोई चिड़िया होता है का? है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप बुद्धू हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचने तो दो हमें। अम्मा चलो हार मान लिया, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, तुम बताओ। आप कोई भी चिड़िया देख लो, सबके सर पर और पैर होते हैं। अरे हमारे चाय यार। क्या बात है जोया, आप तो बहुत होशियार हैं। हूँ ना, बन सकती हूँ ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल। जब ये छोटी थी ना तो बचपन से यही रट लगाई थी, पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस की बड़ी अफसर बनना चाहती है। काश ये सपना पूरा हो पाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा इसके पैसे नहीं दिए ना आपने? जाओ ये देखिए, इससे किडनी की बीमारी। मैं गरीब हूं मैडम, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा मैं कैसे दे सकता हूं? वो तो भला हो डॉक्टर अमन साहब का, वो आज तक अपने खर्चे से हमें दवाई दिलाए चले जा रहे हैं, आखिर वो भी कब तक करेंगे सब? वैसे भी महामारी के समय में अब तो उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, डायलिसिस किए हुए भी बहुत दिन हो गए, दवाइयां भी खत्म हो गई हैं, बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। जब मेरी बच्ची को दर्द उठता है ना तो वो मछली की तरह तड़पती है, मुझसे उसका ही दर्द देखा नहीं जाता। यहाँ थाना दिखाने ले आया, सोचा शायद थाना देखकर कुछ देर के लिए सही अपनी तकलीफ भूल जाए। पापा बाकी के पैसे। हाँ बेटा। जोया थाना देखना चाहोगी अंदर से? मैं अंदर से थाना देख सकती हूँ? सच्ची में तुम देख सकती हो? सच्ची मुच्छी। चलो हम तुम्हें ना पूरा थाना घुमाते हैं, चलो आ जाओ। आई
जोया बेटा क्या हुआ? जोया? पानी चाहिए जोया? जोया? पानी चाहिए? जोया? 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 ये लाइन सही? जोया? इसे लेकर आइए, जीप निकालिए, इसे हॉस्पिटल लेके चलने, जल्दी आइए। अरे कोई है? देखिए आप यही रुकिए, हम यहाँ से देख लेंगे। ओके प्लीज। फिर मैंने पेशेंट से बोला कि भाई अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, तभी तो इलाज कर पाऊंगा। पता है फिर पेशेंट क्या बोला? पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, देर तक जागता हूँ तो मुझे बहुत नींद आ जाती है, अब आप ही बताइए कि क्या करूँ। तो पता है जोया मैंने क्या कहा? मैंने कहा रात भर धूप में बैठो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जोया तुम रेस्ट करो, हम बाद में आते हैं। मेरा पेन, अरे ये क्या है? चॉकलेट? आप में से किसी को चॉकलेट पसंद है? हाँ हमको। डॉक्टर अंकल, आप लोग मेरे साथ आइए। हाय आई एम डॉक्टर विकास। जोया की डॉक्टर रमन ने मुझे जोया के केस के बारे में बताया था। डॉक्टर रमन और मैं कलीग्स हुआ करते थे। वेल, अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना पेशेंट्स को बचाते बचाते खुद कोरोना का शिकार हो गए और अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। बट आई रियली फील प्राउड दैट आई वर्क विद अ ग्रेट मैन लाइक हिम, और उनके इस सैक्रिफाइस को हम सब हमेशा याद रखेंगे। पूरा देश उन्हें याद रखेगा डॉक्टर विकास, उन्हें, आपको, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ को, सबको, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर न जाने कितनी जिंदगियां बचाई है। ये देश, ये समाज और हम सब इन्हें हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। और जहां तक बात है जोया की, तो आप फिक्र मत कीजिए, हम, हमारा पूरा स्टाफ, हम मिलकर इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी जोया का टेंशन मत लेना, आप बस हमें बताइए कि करना क्या है। I really appreciate your generosity, officer. And I must say, Zoya is a very lucky girl, जिसे आप जैसे वर्दी वाले एंजल्स मिले हैं। Well, ये जोया की रिपोर्ट्स है। पिछले कई दिनों से मेडिसिन ना खाने की वजह से जोया का केस काफी बिगड़ चुका है, और अब सिर्फ मेडिसिन से बात नहीं बनेगी, हमें जोया का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और वो भी जल्द से जल्द। मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनी मेरी बच्ची के काम आ सकती है तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। Well, that's great. पर उसके लिए मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, तो आप प्लीज मेरे साथ आइए। का क्या देख रही हो जोया तुम? आपकी गन मुझे चाहिए। ये गन तुमको चाहिए? जोया अभी इस गन के लिए ना तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना और पुलिस ऑफिसर बन जाओगी, फिर खुद का गन होगा, फिर उसको उठाना, देखना और चलाना ऐसे बैंग 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 करके। नहीं जोया, ऐसे नहीं करते। हमारा काम मुजरिमों को सुधारना है, उन्हें खत्म करना नहीं। पुलिस फोर्स का काम है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। लेकिन अगर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो वो जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना जोया? उस सोच को ही तो खत्म करना है जोया, कुछ ऐसा करना है जिससे कोई भी जुर्म करने के बारे में सोचे ही नहीं। बिच्छू को जितना मर्जी गंगाजल पिला लो, अगर उसका फितरत डंक मारना है तो वो डंक ही मारेगा,
और समाज को उसके डंक से बचाने के लिए हमें वो डंक को तोड़ना पड़ेगा। जोया, लेकिन एक बिच्छू का डंक तोड़ने से सारे बिच्छुओं की नस्ल तो खत्म नहीं हो जाएगी, और वैसे भी इलाज उस डंक के अंदर के जहर का होना चाहिए, क्योंकि वही समाज को खराब करता है। जोया, सॉरी मैडम सर, लेकिन आज तक मैं कंफ्यूज हूँ आप दोनों में कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आप दोनों मिलकर प्लीज ये बच्ची को कंफ्यूज मत करो। हाँ प्लीज। अच्छा जोया बेटा, एक बात बताओ हमको, अगर तुमको कभी ऐसा मौका मिला कि तुमको इन दोनों मैडम जैसा बनना है, तो तुम कौन से मैडम की तरह बनना चाहोगी? ये वाली मैडम की तरह या फिर मैडम सर की तरह? बताओ बताओ। सत्यानाश जीते, अब तो तुमने असली बम में पलीता लगा दिया बे। लड़की का जवाब जो भी हो, धमाका तो होकर रहेगा, मजा आएगा। बताओ जोया। क्या हुआ डॉक्टर, एवरीथिंग ओके? क्या अम्मा, इनका एक किडनी ही नहीं है? जी हाँ, इनकी किडनी गायब है, और कमाल की बात तो यह है इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी किडनी गायब है। एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी किडनी निकाल ली गई और आपको पता भी नहीं चला? देखिए, हैरानी की बात ये नहीं कि इन्हें नहीं पता कि इनकी किडनी नहीं है, हैरानी की बात तो ये है इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी किडनी कब कहां और कैसे निकली। मैं सच बोल रहा हूं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। बिल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल फिलहाल में आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या कोई ऑपरेशन हुआ था? हॉस्पिटल तो नहीं गया, हाँ पर कुछ महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूर हुआ था। तो उसके लिए तो आप हॉस्पिटल गए होगे ना? नहीं डॉक्टर साहब। नहीं मतलब, बिना हॉस्पिटल के ऑपरेशन कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले की बात है। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों पहले पेट का दर्द उठा था, लोकल डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसा मेरे पास था नहीं। पता चला शहर में मेहरा साहब करके कोई बहुत बड़े आदमी है जो हम जैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो मदद के लिए मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे एक क्लिनिक का पता बताया और भरोसा दिलाया कि वहाँ मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और मुझे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं मेहरा साहब के बताए क्लिनिक पर पहुँचा, जहाँ वाकई बिना एक पैसा लिए मेरा ऑपरेशन किया गया और कुछ ही दिनों में मैं ठीक भी हो गया। मेरे ख्याल से मामला बिल्कुल साफ है, आप खुद ही समझ सकती है कि क्या हुआ होगा। मेहरा के बच्चे ने जानबूझ करना ऐसे हॉस्पिटल में भेजा है जहां पर अपेंडिक्स के नाम पर इनका किडनी चुरा लिया गया है। जी हाँ, और ये तो सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर एक किडनी पर भी आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकता है, इसलिए इन्हें अपनी किडनी गायब होने का पता भी नहीं चला। और यही क्यों, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे किसी ना किसी मेडिकल डिसीज के नाम पे उनकी किडनी निकाली गई होगी और उन्हें पता भी नहीं होगा। कि मैया का गंगा मैया। काम डाउन करिश्मा सिंह। डॉक्टर विकास, अब ये बताइए कि जोया का क्या होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई डोनर मिलना, बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाए। समय रहते ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जोया के लिए। कितनी शर्म की बात है, ये किडनी रैकेट वाले किडनी का पूरा काला बाजार चलाते हैं, हर रोज हजारों लोगों की किडनियां निकाली जाती है, बेची जाती है, लाखों करोड़ों के लेन देन होते हैं, और जब जोया जैसी गरीब मासूम को सही मायने में किडनी की जरूरत होती तो उसे वो मिलती नहीं। कैसे मिलेगी, यहां तक पहुंचने से पहले उस किडनी का सौदा हो चुका होता है। अम्मा ये तो हद हो गई, मतलब इतनी अंधेर कर दी, मतलब किडनी ना हुई जेब में रखा बटुआ हो गया, नजर बचने की गायब।
हमारी अम्मा कहती थी बेटा कलयुग आएगा और हम पूछते थे कि कब आएगा, तब वो कहती थी जब इंसान इंसान को बेच के खाएगा ना तब आएगा। देख लो आ गया कलयुग। बेचारी बच्ची जोया। बात सिर्फ एक जोया की नहीं है पुष्पा जी, जोया जैसी ऐसी कितनी हजारों लड़कियां होंगी जो अपनी जिंदगी से जूझ रही होगी। पता नहीं कितने गरीबों का जीने का हक छीन रहे हैं ये लोग। इंसान नहीं है ये पुष्पा जी, ये दरिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान के अंग को खाने वाले भेड़िए हैं। अगर जंगल का कानून होता ना पुष्पा जी तो सबको फाड़ के रख देते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम तो कहते हैं नरक में जाए ये लोग, कीड़े पड़े इनमें, मरते समय इनको पानी तक नसीब ना हो। लेकिन यहाँ तलपने से क्या होगा पुष्पा जी, जब हम जानते हैं कि इस किडनी रैकेट के पीछे वो मेहरा का बच्चा है, तो फिर मैडम सर आप हमें ऑर्डर क्यों नहीं देती है? हम अभी जाके मेहरा को लाएंगे और सारी किडनियों का हिसाब लेंगे उससे। आप जानती है मेहरा को? नहीं जानते, लेकिन क्या फर्क पड़ता उससे? फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह, पत्थर पर सर मारने से सर पे चोट लगती है, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ बुराई तक पहुंचना काफी नहीं है, उसे सजा दिलवाना भी उतना ही जरूरी है। और ये करने के लिए पहले ये पता लगाइए कि इस बुराई के पीछे खड़ा कौन है, कितना ताकतवर है और उसे कैसे हराया जाए। आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे। विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे।